हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक डेकोरेशन। आपने अपने पार्ट वन में देखा हम लोग कैसे न्यूज़पेपर से रोल बनाए हैं, तो आइए देखते हैं उससे कैसे हम लोग पार्ट बनाएंगे और अपने घरों में सजाएंगे और उसे कैसे अपने घरों का को डेकोरेट करेंगे। तो देखिए, हमने रोल तो तैयार कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक छोटे से पॉट, ऐसा पॉट लेकर के जो बड़ा वाला रोल है उसको यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे बड़े वाले रोल को लगाएंगे और उससे छोटा छोटा करके इस पॉट के चारों तरफ जैसे मैंने वर्क किया है वैसे आपको करना है। पॉट को छोटा छोटा काटते हुए छोटा छोटा करते जाना है और इसके चारों तरफ इसमें जो है पॉट को लगाना है। और इसे आप कलर भी कर सकते हैं, मैं कलर किया हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करते हैं। देखिए, इसको पूरा छोटे से शुरू किया मैंने और उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हुए मैंने इसके चारों तरफ इस पॉट को ढक दिया है जिससे इसका एक बेस मिल जाए। इसके ये जो कि कागज़ का बना हुआ है इसको एक बेस मिल जाएगा तो ये मजबूत रहेगा और इसमें आप अंदर कुछ रख भी सकते हैं और इससे आप पॉट की बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे मैंने कर लिया है और आगे इसमें कैसे मैं इसको डेकोरेट किया हूँ। मैं अपने अगले पार्ट को बना चुका हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मेन पॉइंट। मेरा मेन पॉइंट है जो मैंने स्पार्किंग पेंट से कलर कर दिया है। और मैंने भी इसे क्या किया था कि पहले रोल बना के न्यूज़पेपर का रोल है, इसमें कोई वो नहीं है। रोल बनाना मेरे पार्ट वन में आपने देखा ही है। और देखिए, रोल बनाकर मैंने पहले चारों तरफ छोटा बड़ा बड़ा करते हुए इसके चारों तरफ और इसके बेस के लिए मैंने छोटा सा पॉट लगा दिया है और मैंने इसे अपना पॉट तैयार किया। और यहाँ पे मैं डेकोरेट मिट्टी लगा के इसे जो है शिल्पाकार मिट्टी से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और इसे भी कलर कर दिया है ग्रीन से पत्ती को और फ्लावर भी लगा दिया है। आप ऐसा चाहें तो इसमें कई जगह लगा सकते हैं, मैंने केवल आगे लगाया है, आप इसे कई जगह लगा सकते हैं। और जैसे आपको डेकोरेट कोई कलर अलग चूज करना हो तो आप अलग करके कर सकते हैं और ऐसे आप पार्ट बना सकते हैं। और इसमें आप फ्लावर लगा सकते हैं या पेन वगैरह कोई भी अपना सामान रख सकते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे फ्लावर लगाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उसको पार्ट को तैयार कर लिया था और मैं क्या किया हूँ कि अब इसमें मैंने फ्लावर को केवल रख दिया है। ये फ्लावर जो कि कपड़े का बना हुआ है, आइए हम अपने अगले वीडियो में इसे भी बनाना सिखाते हैं आपको। और मैंने इसे लगा दिया। अब आप इसमें कोई दूसरा भी चीज़ रख के यूज कर सकते हैं। ये एक साधारण पेपर का बना हुआ पॉट है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है और इसे मैंने कलर करके डेकोरेट कर दिया है। इसमें मैंने फ्लावर लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने न्यूज़पेपर से जो है रोल बना करके और पॉट तैयार किया, उसमें मैंने फ्लावर भी लगा के दिखाया आपको। और आप चाहें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं और लगा कर अपने घर में इसको डेकोरेट कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी कुछ महंगा नहीं है, वो जो है न्यूज़पेपर से बना हुआ है और उसे आप जो आपका मनपसंद कलर हो उससे आप कलर भी कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में कि आप कैसे उस फ्लावर को बनाते हैं जो मैंने पॉट में लगाया था। वो कपड़े का बना हुआ फ्लावर है, उसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए हम अपने अगले वीडियो में उसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, thanks।